Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do filming of CT scan HRCT temporal bones. Temporal bones की filming कैसे करते हैं, starting point, end point, कितना चीज ध्यान में रखना है, कौन सा format लेना है, कितना zoom करना है, वो सब कुछ मैं आपको ये video में बताने जा रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि HRCT स्कैन कैसे करते हैं. ठीक है, इसमें बेसिक प्रोटोकॉल तो यही है कि 1 mm थिकनेस में लेना है, क्योंकि इसकी एनाटॉमी इतनी बारीक है ना कि इसको हाई रिजोल्यूशन स्कैन करना ही ज़रूरी है. 1 mm में लेते हो तो ही इसकी जो एनाटॉमी जो कुछ है, इसकी एनाटॉमी बहुत ही बारीक है. ठीक है ना, इसके लिए इसको हम लेते हैं ऑलवेज 1 mm स्कैन. 0.5 mm में भी स्कैन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कोई कोई जो कंसल्टेंट रहते हैं वो स्पेसिफिकली लिख के देते हैं कि मुझे 0.5 mm का सेक्शन चाहिए. ठीक है ना, तो जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा कर सकते हैं. वैसे फिक्स तो ऐसा ही है कि 1 mm हाई रिजोल्यूशन स्कैन लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कितना स्कैन कहाँ से कहाँ तक. ये हमारा स्कैनोग्राम है. ओके, टोपो बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है, स्कैनोग्राम है. ठीक है, तो यहाँ से जो है सीवी जंक्शन आता है. ओके, यहाँ से सीवी जंक्शन रहता है और ये जो पूरा है ना, ये मैस्टॉइड्स का पूरा टेम्पोरल बोन का एरिया है. तो आपको क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही कवर करना है. ओके, और हेलिकल स्कैन लेना, क्योंकि आप हेलिकल स्कैन लेते हैं तो उसके बाद पूरा रेकॉन कर सकते हो, एक्सियल कोरोनल सैज. ओके, तो ये आप देख सकते हो, मैं आपको ये स्कैन लाइन डाल के बताता हूँ. ये देखो, यहां से लिया है सीवी जंक्शन जो रहता है ना. ये देखो, एक्सियल इमेजेस है, ये ओडोनटेड है, ये सीवी जंक्शन है. ओके, यहां से ही मैस्टॉइड स्टार्ट होता है. तो हमें स्कैन लेना है यहां से लेके यहां तक. मैंने आपको बताया यहां से लेके इतना ही लेना है, इतना ही कवर करना है सर. ठीक है ना, तो ये देखो एक्सियल इमेजेस हमारा है यहां पे. सबसे पहले मेन बात तो मैं ये बताता हूं आपको कि स्कैन तो कर लोगे आप, बट फिल्मिंग कैसे करना है, क्या टेक्निक से करना है, कितना चीज ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट. क्योंकि जब ये हाई रिजोल्यूशन लेते हैं तो इसका बहुत सारा इमेजेस हेलिकल स्कैन में आता है. 1 mm थिकनेस है, 0.1 mm तक अपन रिकॉन कर सकते हैं. ठीक है ना, तो बहुत सारी इमेजेस बना सकते हैं, 400-500 जितना भी आपको करना हो आप कर सकते हो, बट उसको इतना सारा इमेज फिल्म में कैसे देना है वो थोड़ा ट्रिकी है. ओके, तो सबसे पहले एनाटॉमी देख लेते हैं. मैं आपको शो करता हूं कि क्या कौन सी मेजर चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट. कोई भी फिल्मिंग करो ना तो उसका बेसिक टेक्निक यही रहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो जरूर देना ही है. ऐसा यहां से स्टार्ट कर दोगे फिल्मिंग देना तो वो कुछ अच्छा नहीं लगेगा और वो जो भी है बोलेगा कि क्या स्कैन किया है, क्या फिल्मिंग दिया है, बकवास है. ठीक है ना, तो ऑलवेज अभी सपोज यहां से मैस्टॉइड स्टार्ट हो रहा है तो ये यहां से स्टार्ट करना जरूरी है फिल्म में देना. ओके, तो यहां से अभी देखो ये बीच में पूरा, मतलब इमेजेस तो बहुत ज्यादा है, यहां पे ये एंड हो रहा है, मैस्टॉइड्स यहां पे एंड हुआ. तो यहां से लेके यहां तक पूरा इमेजेस कवर करना है और बीच में कौन सा इमेज. देखो सबसे पहले ये बात है कि आपको डायग्नोसिस नहीं पता है. जब आपको डायग्नोसिस नहीं पता है उसका फिल्मिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ. फिर अभी सपोज आपको डायग्नोसिस पता ही है कि भाई इसको यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है, कि इसको इनर ईयर यहाँ पे सीपी एंगल में ट्यूमर है, जुगुलर फोसा में है, कुछ भी है, आपको सपोज डायग्नोसिस पता है, कोलिस्टेटोमा रहता है, वो डायग्नोसिस पता है तो आप कभी भी वो चीज तो फिल्मिंग में मिस नहीं करने वाले है, वो तो डेफिनेट है. बट अभी आप सपोज फ्रेश हो, आपको डायग्नोसिस नहीं पता है, तो उसका फिल्मिंग सबसे पहले कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं. ओके,
सो यहाँ पे हम जाते हैं, पेशेंट का डेटा लेते हैं, इसको रिफॉर्मेट में गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मेट नक्की कर लो कि कितना फॉर्मेट में कितना इमेजेस देना है। देखो बेसिकली तो क्या करते हैं कि भाई देखो यहाँ से स्टार्ट पॉइंट लिया मैस्टोइड, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है, उसको पैच बना देते हैं हम। स्टार्ट किया यहाँ से लेके इसको एंड पॉइंट, यहाँ तक एंड पॉइंट दे दिया, सेट एंड, ओके। और यहाँ से अभी सपोज आपको 30 इमेजेस देना है तो सिंपल यहाँ से 30 इमेज करके इसको बैच बना के रेडी कर दिया, स्टार्टिंग से लेके पूरा इमेजेस आपने फिल्म में डाल दिया। वैसे ही सेम कोरोनल भी ऐसे ही करते हैं। कोरोनल का यहाँ से जो TM जॉइंट है, ये इसका TM जॉइंट का, इसको थोड़ा ऑब्लिक करके मैंने स्ट्रेट कर दिया। TM जॉइंट से यहाँ से स्टार्ट किया, कॉकलिया यहाँ से आता है, ठीक है। कोरोनल में TM जॉइंट से लेके यहाँ से लेके यहाँ पे ये मैस्टॉइड्स खत्म हो रहा है, तो इसको भी सेम किया। TM जॉइंट से आपने यहाँ से बैच बना दिया स्टार्ट करके, और यहाँ पे एंड करके इसको भी आपने 30 इमेजेस डाल के इसको स्टोर कर दिया, ठीक है। ये बेसिक है कि आपको कुछ पता नहीं है, ऐसा ही करके जितना भी इमेजेस लिया है 30 नहीं तो 40 जैसा भी आपको फॉर्मेट ठीक लगता है उसमें आपने डाल दिया। तो वो कभी कभी बीच की इमेजेस छूट जाती है, सपोज आपको एक कॉकलिया का देखना है कि भाई इसका एनाटॉमी आपको दिखाना है, फेशियल नर्व वगैरह है, CP एंगल है, इनर ईयर स्ट्रक्चर्स, वो कोई कोई इमेजेस जिसमें देखना है वही आपका मिस हो जाएगा, वो बात हो सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए कि क्या इसको डायग्नोस्टिक में क्या देखना है, उसको क्या है। वो तो धीरे धीरे अभी फ्रेशर हो तो आ जाएगा, बट ये एक सिंपल फॉर्मेट है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपने फिल्म में डाल दिया, ठीक है। ये हो गई फ्रेशर वाली फिल्मिंग। अभी मैं आपको पूरा एनाटॉमी से बताता हूँ कि कैसे कितना चीज ध्यान में रखना है, मिस नहीं होना चाहिए, वो तो परफेक्ट देना ही है फिल्म में। अभी मेरे पास सपोज बहुत सारी इमेज है, ओके, तो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट पॉइंट लिया, ओके। तो अभी देखना है कि यहाँ पे देखो ये भी नॉर्मल ही है, एड सेल्स में कुछ नहीं है, तो यहाँ से एक आध इमेज दो इमेज छोड़ दो, मैन्युअली कर देना फिल्मिंग। फिर यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो इसका दो इमेज छोड़ दिया, फिर ये दिया, फिर दो इमेज छोड़ दिया, ओके। ये मैंने यहाँ पे लेबलिंग किया है, ये मैस्टॉइड एड सेल्स है, ठीक है। फिर ये है अपना एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, ये वाला जो है एरिया एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल। ये इतनी चीज तो ध्यान रखना ही है कि भाई ये सब तो मिस नहीं होना चाहिए। अभी ये इतना 4-5 इमेज यहाँ से छोड़ दिया आपने, ये आपने दिखाया ही नहीं, वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। फिर ये जो है कैरोटिड केनाल है, यहाँ पे भी कभी कभी ग्लोमस ट्यूमर रहता है जुगुलर फोसा में, कोई कोई ट्यूमर रहता है, तो भी मतलब ये एरिया देना ही है, ऐसा नहीं कि ये पूरा यहाँ से इतना 4-5 इमेज छोड़ दिया आपने, नहीं चलेगा, ओके। ये है फेशियल नर्व केनाल है, मैंने इंडिकेट किया है यहाँ पे दोनों। इसको ऐसा पोजीशन भी स्ट्रेट देना कि आप जब फिल्में देते हो तो दोनों को कंपेयर करना हो तो कर सके, ओके। ये है मिडिल ईयर स्ट्रक्चर्स, ओके। फिर ये अपना आ गया है कॉकलिया, इसमें ये है फर्स्ट ऑफ ऑल अपाइकल टर्न ऑफ कॉकलिया, फिर ये है वेस्टिब्यूल, ये है बेजल टर्न, ओके। ये है अपना कॉकलिया, ये ऐसा फ्लावर जैसा दिखता है ना, ये कॉकलिया है, ये मिस नहीं होना चाहिए फिल्म में, क्योंकि इसकी एनाटॉमी क्या है कि इसका एक भी इमेज आप छोड़ना नहीं, कंटिन्यूस में जितना लिया है सब फिल्म में डाल देना है। अभी ये आ गया सीपी एंगल, यहाँ पे सीपी एंगल में ट्यूमर रहता है कभी कभी, श्वानोमा है सीपी एंगल ट्यूमर, ये इंटरनल ऑडिटरी कैनाल है, ओके। यहाँ पे इसको सॉफ्ट टिश्यू करके भी कभी देख लेना आप, इसको कभी कभी कॉन्ट्रास्ट की जरूरत पड़ती है IV, क्योंकि यहाँ पे बड़े ट्यूमर भी रहते हैं, इसके लिए ये सब कुछ देख लेना आप। दोनों तरीके से टेम्पोरल बोन स्कैन करते हैं, प्लेन भी करते हैं और कॉन्ट्रास्ट भी करते हैं, ओके। ये अभी मैस्टॉइड एड सेल यहाँ पे खत्म हो गया है दोनों।
ओके, ये इतना चीज जो भी मैंने आपको बताया है वो फिल्म में मिस नहीं होना चाहिए। अभी चलिए फिल्मिंग बताता हूँ। फिल्मिंग की भी दो पैटर्न रहती है, कितना जूम करना है, क्या है। अभी ये जो मैंने फिल्म दिया है ये एक्सेल है, ओके। इसको मैंने एक्सेल को पूरा पैरा डाल दिया है, फिर फिल्म को कैसे कौन सा इमेज कट करना है, बराबर है। अभी सपोज ये दो तीन इमेज देखो, सब सेम है, ये तीन इमेज सेम है। अभी तीन में यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, तो यहाँ से मैंने एक इमेज निकाल दिया। फिर ये पूरा देखो, यहाँ पे एक इमेज निकाल दिया मैंने। यहाँ पे जो आपको समझाया है कि कितना चीज आपको मिस नहीं करना है, देखो जैसे वैसे तो कॉकलिया का एरिया जहां से स्टार्ट आता है यहां से, या मैस्ट्रॉइड्स तो बहुत सारा इमेजेस रहता है, इसमें थोड़ा इमेज कट कर दिया तो चलेगा क्योंकि बहुत सारी इमेजेस रहती है, ओके। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है, यहां से जब स्टार्ट होता है अपना फिल्मिंग, तब वहां से आपको इमेजेस कोई भी कट करना नहीं है, क्योंकि यहां से सब कुछ जो भी है बहुत थिन एनाटॉमी है, वो कुछ भी मिस होगा तो कभी कभी डायग्नोसिस के अंदर भी जो देखते हैं उसको कभी कभी मिस हो सकता है। वैसे तो हमारे रेडियोलॉजिस्ट तो रहते हैं, वो कंसोल पे देख के ही करते हैं, इसमें मिस होने की शक्यता नहीं है। बट कोई फिल्म आपकी देखेगा तो बोलेगा कि यार ये बंदे ने कैसा फिल्म दिया है, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। क्योंकि आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आपका भी फर्ज है कि आप अच्छा काम दो, ठीक है ना। तो यहां से जो मैंने बताया है, यहां से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जब स्टार्ट होती है ना, फिर यहां से आपको कंटिन्यूशन में ही कॉकलिया का जितना भी ये सब इनर ईयर स्ट्रक्चर्स वगैरह है, ये सब कुछ कुछ भी छोड़ना नहीं, ये कंटिन्यूशन में। मैंने यहां पे देखो, यहां से मैंने ये पूरा सब कुछ इमेज दे दिया है। अभी ये फॉर्मेट को आप बढ़ा भी सकते हो, 35 का भी ले सकते हो, बट ये फॉर्मेट क्या है कि बेसिक है, मैंने 24 का लिया है। इसमें क्या है, दोनों ये फिल्म मैंने कैसे की है कि दोनों मैंने बताया है, राइट लेफ्ट दोनों को मिक्स में बताया है, ठीक है। तो ये हो गई। अभी सपोज दो फिल्म करना है तो एक्सेल को ऐसा जूम करके दे देना, ये ऊपर का पोर्शन कट कर दिया साइनसिस का तो चलेगा। ये मैस्ट्रॉइड्स खाली बस इतना ही अपने को दिखाना है, तो ये दोनों जूम मैक्सिमम जूम कर दो, ये कट नहीं होगा, ठीक है। ये एक्सेल का हो गया, यहाँ पे मैंने स्कैनोग्राम दे दिया है कोरिलेशन के लिए। अभी सेम वैसे ही कोरोनल जो अपने बैच बनाया है, कोरोनल को भी ऐसा ही दोनों, सपोज ऐसा बड़ा फिल्म देना हो दोनों मिक्स करके, तो ऐसा इतना जूम होना चाहिए, ओके। इसका भी स्टार्टिंग पोजीशन है ये टीएम जॉइंट से लेके यहाँ पे मैस्ट्रॉइड एयर सेल्स खत्म हुआ तब तक, ओके। तो ये दो फिल्म हो गई। वैसे मैं देता हूँ तीन फिल्म, एक ऐसा बड़ा वाला, फिर सेकंड फिल्म कैसा रहता है कि इसको मैंने दो पार्ट में डिवीजन कर दिया है, कि एक को राइट को उसको एनलार्ज करके दिया है, ठीक है। इतना इमेज यहाँ से लेकर जितना पॉजिटिव है वो, और यहाँ पे जो लेफ्ट वाला है इसको मैंने यहाँ से, मतलब आधा फिल्म राइट आधा फिल्म लेफ्ट दोनों को ऐसा जूम करके दिया है। मैंने आपको यहाँ पे शो किया है कि कौन सा इमेज मिस नहीं होना चाहिए। अभी आपको कुछ नहीं पता है तो वो बैच वाला फॉर्मेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपको सपोज डायग्नोसिस नहीं पता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, वही एक बेहतर तरीका है कि बैच बना लो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट डाल के और सभी इमेज दे दो, ठीक है ना। और ये कोरोनल का फिल्मिंग मैंने किया है, ये देखो सेम टीएम जॉइंट से लेके यहाँ पे मैस्ट्रॉइड्स खत्म हुआ, इसका भी सेम राइट और लेफ्ट दोनों को जूम करके। मैं वैसे बेसिकली ऐसे हम तीन फिल्म देते हैं, एक्सेल का ऐसे दोनों कंपेरिजन के लिए दिया है, ओके, कि दोनों कंपेयर हो सकता है। रेडियोलॉजिस्ट को भी अच्छा लगता है क्योंकि जब वो रिपोर्टिंग करते हैं तो दोनों चीज कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर ये जो है वो जूम करके दिया है, ऐसे हम वैसे बेसिकली थ्री प्लेट्स देते हैं, तीन फिल्म, ये हो गया। अभी हमारे पास ये सैज भी है,
बट हम तो नहीं देते हैं, बट सपोज आपको देना है तो वैसे ही जैसा मैंने ये कोरोनल जो दिया है ऐसा जूम करके, वैसे ही आप राइट और लेफ्ट दो पार्ट डिवीजन में ऐसे, मतलब टोटल 4 फिल्म्स हो जाएगा। हम नहीं देते इसके लिए मैंने बताया नहीं है। ओके, ये साइज का भी मैंने बैच बना के रखा ही है, राइट टू लेफ्ट। कोरोनल को मतलब देख लेना कि दोनों कंपेयर हो जाए। देखो एक कॉकलिया है, कॉकलिया जैसे मतलब उसको जब भी आप ओरिएंटेशन उसका फ्रेमिंग में देते हैं तो सही से होना चाहिए, दोनों चीज कंपेयर कर सके, वैसा आपको फिल्म जनरेट करना होगा। सो वापस एक बार बता देता हूँ, ये एक्सेल का फिल्मिंग है। ओके, इतना जूम करना है, ये ऊपर का कट जाएगा तो चलेगा। ये मैंने जूम करके दिया है, एक्सेल राइट और लेफ्ट, कोरोनल राइट और लेफ्ट। ओके, और सपोज दो फिल्म में ही देना है सिर्फ, तो एक्सेल और कोरोनल ऐसा हो गया। कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा सीपी एंगल है ना, ये इंटरनल ऑडिटरी कैनाल, इसको मैं सॉफ्ट टिश्यू भी थोड़ी इमेजेस नीचे दे देता हूँ, क्योंकि बताने के लिए कि यहाँ पे ट्यूमर नहीं है। तो इतना भी आप करोगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, वापस बताता हूँ, यह स्टार्ट पॉइंट है मैस्ट्रॉइड्स का, यहाँ से स्टार्ट करना है और एंड पॉइंट है यहाँ पे, यह मैस्ट्रॉइड्स खत्म हो गया। सिंपल याद रखना है आपको, सीवी जंक्शन से लेके ये हमारा यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। ठीक है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही एज्यूम करके आप इतना प्लान कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको सब समझ में आ गया है। बहुत से लोगों की थोड़ी अलग टेक्निक रहती है, जो मैंने आपको शो किया है वो मेरा टेक्निक है। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।